बच्चों अभी ठीक है आवाज एवरी वन गुड आफ्टरनून सिड अंशु एंड आर्यन एवरी वन वेरी गुड आफ्टरनून किस किस का आज हिंदी का एग्जाम था ये बता दो पहले तो है ना जल्दी से बताएंगे अभी सही आ रही है आवाज सबको यस सिड वेरी गुड आफ्टरनून हाँ जी किस किस का एग्जाम था आज हिंदी का एंड कैसा एग्जाम आया था मैंने आपको पहले ही बोला था बोर्ड एग्जाम इजी ही आते हैं सैम्पल पेपर थोड़े मुश्किल होते हैं लेकिन सैम्पल पेपर देखकर कभी भी मत घबराया करो क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम बनता है ना वो इसलिए बनाया जाता है कि सारे बच्चे उसमें पास हो जाएं ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल अच्छी हूँ आई होप आप सभी के एग्जाम्स अच्छे हुए होंगे ओके Yes, चलिए आज मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन लिए हैं इस यूनिट से एंड क्योंकि हम पहले भी ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं बायोटेक का तो इसलिए मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए हैं आई थिंक थर्टी स्लाइड्स होंगी एंड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है वो लास्ट में आएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे एक बच्चे ने मुझे अपना पेपर सेंड किया था मैंने आपको बोला है ना अपने पेपर सेंड कर दो तो किसी स्टूडेंट के ही मैंने आज पेपर में से क्वेश्चंस उठाए हैं बायोटेक के ओके हाय रवि हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून अलका। चलिए स्टार्ट करते हैं जितने भी बच्चे मेरे साथ नए नए हैं न्यू न्यू बच्चे हैं जो मेरे साथ उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अपने बारे में मेरा नाम शिवानी वत्स है और आप मुझे अन अकेडमी के ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है मास्टर्स इन बॉटनी बैचलर ऑफ़ एजुकेशन एंड बहुत सारे बच्चों को अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाया भी है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है इकोलॉजी हम खत्म करेंगे पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है बच्चों सबके वन शॉट्स आ चुके हैं सिर्फ इकोलॉजी के तीन चैप्टर बचे हैं जो बहुत ही ज्यादा है। इजी हैं तो तीन दिन और लगेंगे और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद जितने भी बच्चों ने मेरे को अपने सैम्पल पेपर्स और वो भेजा है आ, प्री बोर्ड के पेपर जितने भी भेजे हैं ऑलरेडी मैंने आपके उठाने शुरू कर दिए प्री बोर्ड के पेपर एंड आप भेजते जाओ मुझे सो दैट जितने भी दिन बचे हैं हमारे पास उसमें हम वैसे टॉपिक करें जो आपके प्री बोर्ड में भी पूछे गए हैं ओके okay, चलिए अच्छा हाँ 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 चलिए अभी ना मेरा ऐप फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली लेकिन जैसे ही वो ठीक से फंक्शन करने लग जाएगा तब मैं स्पेशल क्लास ले पाऊंगी अभी मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ स्पेशल क्लास लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मेंटी में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं ओके वेरी हैप्पी बर्थडे प्रिंसि परमार वेरी हैप्पी बर्थडे हमारे बहुत ही ज्यादा पुराने स्टूडेंट हैं प्रिंसि परमार हैप्पी बर्थडे टू यू एंड गॉड ब्लेस यू आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा जितने भी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनमें ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है बायो में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो उन बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने सिलेबस ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुका है तो आप सैम्पल पेपर्स ले सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे टेन सैम्पल पेपर्स विद 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 डिटेल डिस्कशन तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करो खत्म होने वाला है ये ट्वेंटी एट को इसमें आपको मिल रहे हैं दस ऑलरेडी कर भी चुके हैं वी ए टी एस हंड्रेड अगर आप कोड यूज करोगे तो आपको ये दस पेपर मिल जाएंगे सिर्फ थ्री हंड्रेड फोर्टी वन रुपीज में पी सी बी के लिए एंड पीसीएम बी के लिए ये अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है एंड इसमें भी आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा ऑफ मिल जाएगा वी यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना सो दैट आपको डिस्काउंट मिल पाए ओके okay, आज का स्केड्यूल देख लेते हैं आज क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स थे तो मॉर्निंग क्लासेस नहीं हुई है आज टू थर्टी पे मेरी क्लास है उसके बाद सर की क्लास है सात बजे एंड उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास है जिसको बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि एग्जाम आने वाला है ओके okay, जल्दी से ओके चलिए जल्दी से अपने और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं बहुत कम क्वेश्चंस है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जितने भी बच्चों को डाउट्स होते हैं जीन थेरेपी मैम इंसुलिन बता दो मैम ये बता दो वो सारे ही क्वेश्चंस उठाए हैं जल्दी से शेयर करेंगे सब कंप्लीट कर लिया है मिस्टर बीन <laughs> कौन कौन बैठेगा ऐसे पेपर में आज मुझे नई फोटो लगानी थी मिस्टर बीन की पर मैं लगा नहीं पाई क्योंकि मैं आपके क्वेश्चंस ढूंढ रही थी ना मैम बी फार्म का कोर्स कैसा है समीर बहुत ही अच्छा है बी फार्म का कोर्स एंड कोर्स, जैसे ही आपके एक बार एग्जाम खत्म होते हैं मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगी कि आप क्या क्या करियर ऑप्शंस ले सकते हैं अगर आपके पास बायो था और आप बी नहीं करना चाहते हैं आप मेडिकल नहीं करना चाहते हैं तो आप और क्या क्या कर सकते हैं और किसका कितना ज़्यादा स्कोप है ठीक है चलिए स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट में भी आया है और बहुत सारे अदर एग्जाम्स में भी आया है एंड काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कल ही हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है एडीए जो होता है ना एक इंजाइम होता है बॉडी में जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ठीक है तो अगर इसकी डेफिशियंसी हो जाती है तो एस एक डिजीज है जो हो जाता है एस का फुल फॉर्म बता देंगे सबसे पहले कॉमेंट सेक्शन में वेरी फास्ट वेरी फास्ट I will score highest in bio. Okay, very good Pratmesh. All the best. से SCID का फुल वो बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं लेकिन हर किसी को नहीं करना होता तो मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ कि एक वीडियो लेकर आ जाएंगे जिसमें करियर ऑप्शन पूरे बताऊंगी ओके okay? चलिए नहीं आंसर नहीं बताना अभी अभी आंसर नहीं बताना है बच्चों आपको हाँ सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी क्या है सिवियर किसने बताया है दिव्यांगी सिर्फ दिव्यांगी सुन रही है मेरी बात और कोई बच्चा नहीं सुन रहा है ना सिवियर कंबाइंड इम्यूनो इम्यूनो यानी कि अगर ये एंजाइम बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है तो इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है इतनी ज़्यादा लो हो जाती है कि धूल मिट्टी हर एक चीज से आपको एलर्जी होगी हर एक चीज आपका जान का खतरा बन सकती है यहाँ पे आपको बताना है एडीए का फुल फॉर्म क्या है ओके प्रिंसिपल मार कह रहे हैं बी रवि रंजन बी वेरी गुड वेरी गुड एवरी वन प्रश बिल्कुल सही है ओके शिवी रमन एवरीवन बिल्कुल ही सही आंसर है आपका एडिनोसिन डीअमिनेज है इस एंजाइम का नाम बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलते हैं आगे आ, ये आपका सीबीएसई की वेबसाइट से ही मैंने पेपर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ओके सीबीएसई okay? पढ़ेंगे क्वेश्चन पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन है ये ऑलराइट right, पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को इन अ पैथोलॉजिकल लैब

जल्दी से बताएंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो प्रोसेस होती है उसका नाम क्या होता है एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं एम्प्लीफिकेशन किस प्रोसेस में करते हैं वेरी गुड रमन कौन सी प्रोसेस के बारे में पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है पीसीआर बता दो यानी कि क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बता दीजिए वेरी गुड दिव्यांशु स्टेप्स भी बता दिए हैं आपने बताया किसने था पीसीआर के बारे में ये बताओ चलो ये किसी ने नहीं लिखा है हाँ, नहीं ओके चेन रिएक्शन जिसके बारे में हमें बताया था कैरी म्यूलस ने क्या बताना है अब अब हमें एक फ्लो चार्ट बनाना होगा और उसमें क्या पीसीआर के तीन स्टेप्स दिखाने होंगे क्या लिखेंगे हम पहला स्टेप है डीनेचुरेशन जिसमें हम टेम्परेचर रेज करके हटा देते हैं मतलब जो स्ट्रांड है उनको डीनेचुरेशन में अलग अलग कर देते हैं टेम्परेचर रेज करके डी एन एंड ऑफ नाइन डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं strands जो से अलग अलग हो जाए ओके नेक्स्ट है अनिलिंग इसमें क्या करेंगे हम प्राइमर एड कर देंगे प्राइमर एड कर देंगे प्राइमर जाके यहाँ यहाँ एक प्राइमर यहाँ चिपक गया एक प्राइमर जाके यहाँ चिपक गया ठीक है अनिलिंग में क्या होता है प्राइमर जाके चिपक जाते हैं टू दी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रांड इसके बाद जो हमने नाइट्रोजन बेसिस डाले थे ना और टैक पॉलीमरेज डाला था उसकी मदद से ये नाइट्रोजन बेसिस ऐसे अरेंज हो जाते हैं और जो एक डीएनए था ना स्टार्टिंग में एक डीएनए था अब वो दो अलग अलग स्ट्रैंड्स बन गए यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंशन जिसमें डीएनए पॉलीमरेज क्या करवाता है एक्सटेंशन करवाता है कौन सा यूज करते हैं एंजाइम कौन सा एंजाइम वेरी गुड दिव्यांशु टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं क्यों करते हैं टैक पॉलीमरेज किससे मिलता है टैक पॉलीमरेज जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में फटाफट से फटाफट से वेरी गुड वेरी गुड प्रथमेश वेरी नाइस इतने कम बच्चे क्यों हैं स्कूल से ही नहीं आए क्या बच्चे हाई टेम्परेचर शिवी हाई टेम्परेचर की वजह से हम टैक्स पॉलीमरेज यूज करते हैं जो कि थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है वेरी गुड एक्वेटिकुडी थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है और ज्यादा टेम्परेचर पे भी फंक्शन कर पाता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अगेन सीबीएसई टर्म टू का क्वेश्चन है आई थिंक 2021 का है 2021 का क्वेश्चन है टर्म टू का तीन नंबर का क्वेश्चन है ये जो पिछला क्वेश्चन था ये भी थ्री मार्क्स का था ये जो आपकी पूरी यूनिट है ये आपको सोलह मार्क्स दिलवाती है सोलह मार्क्स आपको कैसे कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी यूनिट है ओके थर्मस एक्वेटिक चलो पहले तो ये बता दो इतने कम बच्चे क्यों आए आज इतने कम बच्चों का क्या मतलब है बताएंगे एग्जाम था मैम प्री बोर्ड चार था अच्छा ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आराम करो है ना चलिए द इमेज बिलो डिपिक्स द रिजल्ट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की प्रोसेस हुई है यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या होता है जो हम इलेक्ट्रिसिटी uh, यूज करते हैं जो एग्रोज जेल होता है हमारा उसके वेल्स में हम डाल देते हैं अपना डीएनए और फिर क्या होता है और फिर क्या होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव एनोड की तरफ दौड़ना शुरू करता है तो सबसे ज्यादा भारी जो है वो तो सबसे पीछे रह जाएगा जो सबसे ज्यादा हल्का है वो सबसे ज्यादा क्लोज जाएगा एनोड के ओके okay? इंग्लिश की प्रिपरेशन तो क्लास ना ले फिर जब तक इंग्लिश का एग्जाम है आपका बताओ जब तक इंग्लिश का एग्जाम है तो क्लास स्किप कर रहे. नेगेटिव टू टू जाता है बिल्कुल सही। इफ़ द द लैडर रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ़ ऑफ़ लेंथ अप बेस ओके, जो आपको बैंड दिए हुए हैं कॉरेस्पॉन्ड टू दो हजार पांच सौ का कौन है और सौ बेस पेयर का कौन सा बैंड है रिस्पेक्टिवली बता दो फटाफट से बताएंगे सबसे ज्यादा हल्का बैंड कौन सा है सबसे ज्यादा भारी बैंड कौन सा है इथीडियम ब्रोमाइड इज यूज फॉर स्ट्रेनिंग बिल्कुल सही स्ट्रेन करने के लिए कैंसिल चलिए वेरी गुड प्रिंसिपल मैम सेकेंड वाला कह रहे हैं मैम दो हजार वाला होगा ओके okay. सेकेंड वाला 2500 का होगा और फोर्थ uh, बैंड होगा सबसे ज्यादा लाइट तो सबसे ज्यादा हैवी कौन है सबसे ज्यादा हैवी है ये तीसरे नंबर का बैंड जो सबसे पीछे रह गया और सबसे ज्यादा लाइट कौन है सबसे ज्यादा लाइट है कौन जो सबसे आगे चले गया इसका मतलब एनोड कहाँ पे है बच्चों? एनोड कहाँ पे है बच्चों? ध्यान देंगे यहाँ पे एनोड है बच्चों यहाँ पर कहा है मेरा पेन पेन का कलर ही सफेद है तो कहाँ दिखेगा सफेद पे एनोड यहाँ पे है ये कुएं हैं एक कुआं दो कुआं तीन कुआं चार कुआं पांच कुआं जो सबसे पीछे रह जाएगा वो सबसे मोटा होगा क्योंकि मोटे लोग ज्यादा दौड़ नहीं पाते और जो सबसे आगे निकल जाएगा एकदम पतला सा और एक्टिव सा होगा जो सबसे कम बेस पेयर वाला होगा क्लियर वेरी गुड प्रथमेश वेरी नाइस ओके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है देखो कितने इजी है है ना कितने इजी क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ सेपरेशन बेसिस क्या है किस बेसिस पे ये अरेंज होते हैं एंड आल्सो मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस सिग्निफिकेंस इस प्रोसेस का ये है कि आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना उसको सेपरेट कर सकते हो बहुत सारे टुकड़ों में से बहुत सारे टुकड़े हैं आपके पास अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर सकते हो उनमें से क्लियर समझ गए हैं वेरी गुड वेरी नाइस चलिए देख लेते हैं इसका आंसर एनसीआर ने क्या दिया है आई मीन सीबीएसई ने क्या दिया है चलो बैंड थ्री जो है बिल्कुल सही है 2500 बेस पेयर वाला होगा बैंड फोर जो है वो 100 बेस पेयर वाला होगा फ्रैगमेंट विल रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज तो क्या था आंसर क्या है साइज के अकॉर्डिंग वो अरेंज होते हैं जो शॉर्टर होता है वो सबसे आगे चले जाता है एज वेल एज सीन इन बैंड फोर जैसे क्या हमें बैंड फोर में दिख रहा है क्लियर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हाँ चलते हैं आगे अब चलते हैं आगे जो बैंड थ्री है वो सबसे ज्यादा भारी है सिग्निफिकेंस ये है कि प्योरिफाई कर सकते हो आप अपने डीएनए फ्रैगमेंस को और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट उखाड़ा है ना वहां से निकाला है ना वहां से खुरपे से ऐसे निकाला है ऐसे करके जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाओ मेरी गोदी में है ना उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं फाइनली मतलब ये जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरिस जेल इलेक्ट्रोफोरिस का हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए है ना हाँ थैंक यू सो मच बोर्ड्स ट्वेंटी अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पांच नंबर का क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का वन टू थ्री फोर फाइव हाँ नंबर का क्वेश्चन है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से फाइव मार्क्स ध्यान से पढ़ेंगे इसको ओके okay? ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों ध्यान से देखेंगे ओके सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ब्रेक अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स तो कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स को कट कर देते हैं सच दैट ओनली वन एंड ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज कट

आपको साइट दे रखी है कि कहां पे कट करेगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्लीव सीक्वेंस जस्ट आफ्टर फाइव डैश डैश गोन पर कट करेगा जी जी ए टी टी सी यहां ये है ना यहाँ पे कट करेगा क्लियर और यहां क्या कट करेगा नीचे इसको कट करेगा क्लियर

टू रिकम्बाइन इसलिए कट कर रहे हैं हम स्टिकी एंड रहे हैं क्या बना रहे हैं हमको हमको नहीं चाहिए होते हमको हमेशा टेक्नोलॉजी में कैसे end चाहिए होते हैं चाहिए मैम जो आपस में चिपक जाए मैम जाकर ओके चलिए एक्सप्लेन हाउ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ वेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है अच्छा आया था ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में हाँ मैम लोग आपकी यहीं से देते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से उठा के देते हैं चलिए टू इंसर्ट अ डिजायरेबल जी क्या कर रहे हैं हम जीन ऑफ इंटरेस्ट क्यों इंसर्ट करते हैं वेक्टर में क्योंकि फिर वो वेक्टर हम कहा डालेंगे होस्ट के अंदर डालेंगे फिर हम अपना जीन अपने डिजायरेबल रिजल्ट के हिसाब से हम उस जीन को यूज कर सकते हैं क्लियर बाय कटिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड देन With तो क्या कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनएन लाइगेट्स एंजाइम से हमने कट करा डीएनए वेक्टर वैक्टर का डीएनए कट करा एंड फिर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको घुसेड़ दिया उसमें डीएनए में और फिर उस वेक्टर को हम अपने होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं रमनदीप बिल्कुल सही बात है यू आर गिवन डीएनए शोन बिलो अब आपको क्या बताना है इस डीएनए में आपको बताना है इफ दैट डीएनए इज कट बाय बम एच1 हाउ मेनी डीएनए फ्रैग्मेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट राइट द सीक्वेंस ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैग्मेंट्स रिस्पेक्टिव पोलैरिटी में तो एक तो यहां कट करेगा ये है ना दूसरा ये यहां कट करेगा और बताओ और बताएंगे जी जी ओके आ सकता है एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन तो आंसर देखेंगे अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना दिया हमने दो फ्रेगमेंट बना दिए हमने क्या बना दिए दो फ्रेगमेंट बना दिए क्या बना दी यहाँ से कट किया यहाँ से कट करेगा और यहां से कट करेगा स्टिकी एंड बना देगा क्या करेगा जी जी ए टी सी सी और सी सी टी ए जी जी अब ये यहाँ से ये दोनों अलग हो जाएंगे ये स्टिकी बन जाएंगे आया समझ में आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है ये अलग हो गए ये स्टिकी एंड्स बना दिया यहाँ से यहाँ से गलत करा है मैंने यहां से कट करेगा यहाँ से करेगा नॉट हियर क्लियर हाँ, हमेशा दो स्ट्रैंड देगा ओके हमेशा दो स्ट्रैंड देगा क्लियर चलते हैं अब आगे यहाँ देख लो सीक्वेंस यहाँ से कट किया था राइट और दो दो स्ट्रैंड बना दिए इन्होंने अब आपको इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी लिखना है अब आ जाते हैं अपने डी वाले क्वेश्चन पे जीन एम जीन एम है उसको इंट्रोड्यूस करा हमने इकोलाई के अंदर

तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा ऐसे वेक्टर का राइट गिव अ पॉसिबल वे बाय व्हिच वी कैन डिफरेंशिएट नॉन रिकॉम्बिनेंट टू रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या करेंगे हम दो कॉलोनीज ले लेंगे एक के ऊपर टेट्रासाइक्लिन डालेंगे अगर वो सरवाइव कर जाएगा एक सेकेंड आई एम सो सॉरी ओके नहीं आया समझ आशीष को रुको 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 हाँ देखो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है आपको क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि कोई जीन एम है कोई भी जीन एम है कुछ भी सीक्वेंस है हमें ये नहीं पता करना हमें क्या करना है जीन एम को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने इकोलाई e. के अंदर इकोलाई e. में डाला किसकी हेल्प से डाला पीबीआर थ्री टू टू वेक्टर की हेल्प से डाला अब हमने पीबीआर के अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था ना वो हमने डाला कैसे था हमने बी B... bamh1 से कट करके डाला था जीन ऑफ इंटरेस्ट इसका मतलब जो bamh1 की कटिंग साइट है वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे तो जब हम bamh1 से कट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी एम्पिसिलिन रहेगी टेट्रासाइक्लिन हट जाएगी ओके okay? आया समझ में हाँ अब हमने एक कॉलोनी ये ले ली एक कॉलोनी हमने ये ले ली इसमें हम डालेंगे एम्पीसिलिन बचेगा तो ठीक है हमें कोई फर्क नहीं पड़ा अब हम डालेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अगर ये कॉलोनी बच गई तो ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है अगर हमने टेट्रासाइक्लिन डाला और ये कॉलोनी खत्म हो गई तो ये है रिकॉम्बिनेंट आई बात समझ गॉट इट हाँ तो जब हमने यहाँ पे बैम से कट कर दिया ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो कि एक सिलेक्टेबल मार्कर है वो उसकी वजह से हम अ uh, डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को यहाँ पे भी वही लिखा है वन की जो साइट है विल अफेक्ट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेंस जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा वो लूज वेरी इंपॉर्टेंट लूज कर देगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वेरी गुड अह अगर मैं चैट देखूंगी बार-बार तो फिर मैं पढ़ा कैसे पाऊंगी है ना आ रहा है आपको बात समझ में अनुष्का मैं हमेशा देखती हूँ चार्ट चार ऐसा मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ कि मैम आप चार्ट्स नहीं देखते पर अगर मैं समझा रही हूँ तब तो मैं बार बार चार्ट्स नहीं देख पाऊंगी ना है ना क्लियर मैम एच वन साइट विल अफेक्ट टेट्रोसाइक्लिन हेंस रिकॉमेंट प्लाजमेंट ड्यू टू इन एक्टिवेशन इन द रेस्टेंटीन कुछ नहीं बोला रॉन्ग सही है मिंटी करेंगे यार करेंगे मिंटी तुम आते हो नहीं क्लास में मिंटी में आओगे सिर्फ है ना चलिए आगे आ जाते हैं रिकॉम्बिनेंट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय प्लेटिंग इनटू अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन पे प्लेट कर दो तो अगर टेट्रा पे प्लेट करा और जो कॉलोनी है वो बन गई तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं है अगर नहीं बनेगी तो इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट है ओके okay? चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ये पेपर मुझे आपके ही किसी क्लास के बच्चे ने भेजा आई थिंक सिड ने भेजा था ये वाला पेपर सिड के स्कूल का पेपर है सेंट थॉमस का सेंट थॉमस का पेपर है ये सिट ने मुझे टेलीग्राम से भेजा था इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं ओके चलिए आई द लास्ट मेंटी चलिए सी ये नहीं मेरे को पता कि कहाँ पे है ये स्कूल सीबीएसई होगा ना तभी तो हो रहे हैं अभी एग्जाम चलो एक सेकेंड दो मुझे यार गर्मी हो गई ना चलिए अब करते हैं आगे चलिए आप देखते हैं ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है रेट्रो वायरस आर यूज इफिशियंटली एज अ वेक्टर बिल्कुल सही बात है इन रिकॉमिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट तो वायरस को हम यूज कर सकते हैं आर डी एन ए टेक्नोलॉजी में बिल्कुल सही बात है तो असोशन एकदम ठीक है रीजन क्या दिया है Agrobacterium tumefaciens ट्यूमी फेसियंस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फैक्टर इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल बताएंगे आंसर शिवम कैसा हुआ तुम्हारे एग्जाम कल तो डर रहे थे तुम बेकार में बताओ बताएंगे फटाफट आंसर yeah. होगा मैम बी क्या है आंसर असर्शन ठीक है रीजन भी ठीक है क्या होगा आंसर बताओ सी होगा मैम असर्शन तो कुछ समझ आया लेकिन क्या ये जो रीजन दे रखा है ये असर्शन के लिए फिट बैठ रहा है मतलब रीजन भी ठीक है असर्शन भी बिल्कुल ठीक है लेकिन जो रीजन है वो असर्शन के ऊपर ठीक नहीं बैठ रहा है मतलब आप रेट्रोवायरस की बात कर रहे थे नेक्स्ट में आप आ गए एग्रो के ऊपर

टू कॉटन बॉल वॉर्म ये बिल्कुल ही गलत बात है मैम है ना हाँ मुझे भी लग रही है यार भूख मैंने भी नहीं कर रखा है लंच एक्चुअली चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं देखो क्राई प्रोटीन होते हैं क्राई प्रोटीन क्राई जीन्स होते हैं जिससे क्राई प्रोटीन बनता है क्राई जीन से क्राई प्रोटीन बनता है ठीक है अभी क्राई वन ए सी और क्राय वन नहीं टू ए बी ये जो दोनों है ये कॉटन बॉल वॉर्म के लिए है किसके लिए है कॉटन बॉल वॉर्म के लिए ये दोनों होते हैं ना कि क्राय वन ए बी और क्राय टू ए बी टू ए बी दे रखा है आपको बिल्कुल सही दे रखा है लेकिन वन ए सी है नॉट वन ए बी क्लियर पेपर बहुत आसान ही आता है मैं बोल ही रही हूं तुमको बेकार में डरते हो बहुत इजी आते हैं पेपर अब जल्दी से मेरे को कॉर्न बोरर का भी बता दो क्राई प्रोटीन कॉर्न बोरर कॉर्न बोरर बताएंगे फटाफट से क्राई प्रोटीन कौन सा होता है कॉर्न बोरर का बताएंगे जल्दी से वेरी फास्ट क्या होता है मैम क्राई वन ए बी ओके क्राय वन ए बी होता है वेरी गुड क्राय वन ए बी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है राइट द फंक्शन ऑफ डी डीअमिनेज एंजाइम आपको फंक्शन लिखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो नंबर का क्वेश्चन है आपको फंक्शन लिखना है एडेनोसिन डीअमीनो डी अमीनेज एंजाइम का और आपको बताना है कॉजेज ऑफ एडीए डेफिशिएंसी इन ह्यूम और आपको ये भी बताना है कि परमानेंट क्योर क्या होगा परमानेंट क्योर क्या होगा ठीक है चलिए इसको देख लेते हैं पहले बता दो फुल फॉर्म एडीए में क्या होता है एडीए जैसे ये डीएनए है आपका है ना तो डीएनए जो होता है वो प्रोटीन बनाता है तो ये जो डिफेक्टिव डीएनए होगा ना जो डिफेक्टिव डीएनए होगा जो डिफेक्टिव डीएनए होगा ये वाला डिफेक्टिव डीएनए ये एंजाइम ही नहीं बना रहा होगा एडीए और एडीए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सी बीमारी के लिए एस सी आई डी डिजीज जो है ठीक है तो आपको पहली बात तो ये लिखना पड़ेगा की एडीए का फंक्शन क्या है फुल फॉर्म क्या है, है ना तो इससे कौन सी बीमारी होती है क्या प्रॉब्लम होती है ये लिख दिया आपने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया नेक्स्ट पॉइंट है कॉज ऑफ एडीए डेफिशियंसी क्यों होता है मैम म्यूटेशन हो गया होगा ना मैम म्यूटेशन हो गया होगा म्यूटेशन हो गया होगा या फिर पेरेंट्स जो है पेरेंट से ही फॉल्टी जीन मिल गए होंगे क्या हो गया होगा फॉल्टी जीन मिल गए होंगे मैम फॉल्टी जीन्स मिल गए पेरेंट्स से पेरेंट्स ने ही धोखा दे दिया अपनों ने ही गैर क्या धोखा देंगे मैम अपनों ने ही जीन अच्छे से दिए नहीं है ना अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट क्या है मेंशन अ पॉसिबल परमानेंट क्योर तो पहला क्योर तो है इसका कि एंजाइम देते जाओ आप ये जो जिसको ये डिजीज हो, हो उसके शरीर में आप बार 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 हर अगले दिन हर एक महीने में एंजाइम आप उसको देते जाओ और दूसरा जो तरीका है इस बीमारी से बचने का वो है बोन मैरो बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोन ट्रांसप्लांट और तीसरा जो तरीका है ये दोनों आपके एनसीआरटी में दे रखे हैं और तीसरा तरीका जो आपकी बुक में मेंशन में है वो है जीन थेरेपी जीन थेरेपी जीन थेरेपी कर लो अगर आप जीन थेरेपी बचपन वाले स्टेज में करोगे मतलब बहुत इनिशियल स्टेज में कर दोगे फीटल थोड़े से छोटे बच्चे के अंदर कर दोगे ये जीन थेरेपी तो परमानेंट इलाज हो जाएगा लेकिन अगर आप थोड़े बड़े बच्चे में करोगे जैसे वो जो चार साल का बच्चा था 1990 में क्या नाम था उस बच्चे का छोटी बच्ची थी जो चार साल की जो भी नाम था उस बच्ची का वो चार साल की हो चुकी थी तो जीन थेरेपी उसके अंदर मतलब प्रॉपरली हो नहीं पाएगी ओके okay? अनुष्का क्यों जा रहे हो भाई तुम एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दो बिल्कुल सही बात हाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्यों जा रहे हो अनुष्का गंदा बढ़ा रही हूं मैं यस yes. ओके okay? क्वेश्चन hmm, mm, mm, mm. okay. तो आपको पिछले वाले रिवीजन में पूछना चाहिए था ना है ना चलिए नींद आ रही है तो आप सो सकते हो बिल्कुल से जाके आराम से है ना चलिए हम लोग आगे पढ़ते जिन जिन को नींद नहीं आ रही है वो लोग आगे बढ़ेंगे जीन थेरेपी इज यूजफुल फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स एंड मैनिपुलेटिंग द जीन फॉर एग्जाम्पल डिफेक्टिव एडीए जीन जो है उसको रिप्लेस कर देंगे गुड वन से यूजिंग जीन थेरेपी यानी uh, प्रोसेस इसका मैं लास्ट में आपको समझा दूंगी एडीए डेफिशिएंसीज आई थिंक अगर मैंने लगाई होगी ना नहीं है ब्लैंक स्लाइड है लास्ट में उसमें समझा दूंगी ओके okay? चलते हैं अब आगे हाँ चलो नेक्स्ट जीन थेरेपी का मेथड हम ऑलरेडी समझ चुके हैं अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मिड बताएंगे दिख रहे हैं आपको ऑप्शंस साल वन याक बैक पीबीआर थ्री बताओ फटाफट से जी जल्दी से बताएंगे साल वन याक बैक पीबीआर टू क्या होगा आंसर जल्दी से वेरी फास्ट वेरी फास्ट ओके चलिए बताएंगे फटाफट से मैम याक बैक तो होते हैं आपके आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और पीबीआर थ्री टू टू तो हमने पढ़ा ही है कि ये प्लाज्मिड है तो कौन सा नहीं होगा प्लाज्मिड बच्चों हो भी क्लास में बताएंगे है भी कोई क्लास में आंसर बताने वाला बी एन सी है बी एन सी जो है वो प्लाज्मिड नहीं है लेकिन उसको भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं एज वेक्टर्स ओके और साल वन क्या है साल वन तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना इस वजह से आंसर होगा साल वन ओके okay? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लाज्मेट तो इसमें याक बैक को हम फिर भी वेक्टर्स की तो मतलब यूज कर लेते हैं एज वेक्टर्स हम ऐसे यूज कर लेते हैं इनको यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम वेक्टर और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम वेक्टर इसको हम यूज कर लेते हैं लेकिन जो साल वन है उस वो तो है ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको तो हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आ गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए आर कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडो ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स बताएंगे फटाफट इधर इधर ध्यान दो बच्चों वेरी गुड बताएंगे फटाफट से ट्रू है मैम बिल्कुल सही है अनुष्का अनुराग प्रिंसिपल मार अंकित बिल्कुल सही अब आ जाओ बी पॉइंट पर बी पर आ जाएंगे एग्रोस द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑबटेन्ड फ्रॉम फंजाई ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो जेल है वो हमें फंजाई से मिलता है क्या फंजाई से मिलता है क्या हमको फॉल्स है प्रिंसी अनुराग बिल्कुल सही लेकिन मिलता किससे है मैम किससे मिलता है मैम रेड एलगे से मिलता है मैम रेड एल्गे से, से क्या मिलता है रेड एल्गे से ओके okay? वेरी गुड चलिए नेक्स्ट चलते हैं वीड से मिलता है मैम सीवीड से मिलता है किससे मिल रहा होगा सीवीड रेड एल के डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोस जेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरोसिस इलेक्ट्रोफोरोसिस में सीविंग इफेक्ट की वजह से साइज के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं सीविंग इफेक्ट लिखा है सीविंग इफेक्ट राघव ओके वेरी गुड हाँ सीविंग इफेक्ट होता है क्या एग्रो जेल में या फिर स्पीड साइज की वजह से अरेंज हो रहे हैं बताएंगे मैम ट्रू है ट्रू 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 तो क्या होगा आंसर आंसर होगा बिल्कुल सही बात है ओके चलिए आंसर होगा ट्रू मैम क्या हो रहा है यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं ड्यू टू सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोजल क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर थ्री टू टू हैज थ्री एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं पीबीआर थ्री टू टू के पास क्या ये सही है या गलत डी का बताएंगे अब डी का बताएंगे जल्दी से वेरी फास्ट थ्री एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं थ्री एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं पीबीआर थ्री टू टू के पास क्या ये सही है या गलत है मैम फॉल्स क्या है ये बिल्कुल ही गलत है दो होते हैं और दो कौन से कौन से होते हैं आप ये भी बता दो जल्दी से बताएंगे मैम द आंसर इज़ फॉल्स और दो कौन से कौन से होते हैं ये भी बता दो मैम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड दूसरा एम्पीसिल रेजिस्टेंट दो होते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एलिसा टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कौन सा टेक्निक कौन सी प्रिंसिपल है नेक्स्ट बताएंगे एमसीक्यू है फटाफट से बताओ हाँ चलिए प्रिंसिपल ऑफ क्या प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरक्शन आंसर होगा बी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरक्शन अनुष्का बिल्कुल सही आंसर है ओके okay? अब आ जाते हैं केस बेस्ड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ये है कितने मार्क्स का चार नंबर का है चार नंबर का क्वेश्चन है यहाँ ध्यान देंगे ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नेम द पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हु स्टेप्स आर शोन हियर इन दिस फिगर क्या है एक ये डीएनए है इसको आपने प्लाज्मेट में इंसर्ट कर दिया फिर इस प्लाज्मेट को आपने क्या कर दिया के अंदर इंसर्ट कर दिया, इस पूरे प्रोसेस का क्या नाम है दिख नहीं रहा ना पेपर क्या तुम लोग जब पेपर भेजते हो ना अब मुझे आ, ऐसे मतलब ऐसे मत भेजा करो पेपर ऐसे भेजा करो सो so दैट बड़ा बड़ा हम यहाँ पे ले सके हाँ क्या बोलते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ओके या फिर रिकॉम्बिनेशन क्लियर रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या बोलेंगे हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं क्या बोलेंगे इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर डी एन ए टेक्नोलॉजी नेक्स्ट नेम स्टेप वन टू फोर इन द मार्ड फिगर वन टू फोर इन द मार्ड फिगर क्या करना है हमें बताना है वन टू फोर स्टेप वन क्या है आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कहा है खाली स्पेस हो जाता ना हाँ चलिए स्टेप वन होगा स्टेप वन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट जीओआई आई ओके ओके अब नेक्स्ट क्या है स्टेप नंबर टू आइसोलेशन आइसोलेशन यूजिंग कौन सा एंजाइम कौन सा एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टेप थ्री है इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल या फिर पहला है थर्ड नहीं है ये थर्ड नहीं है ये फोर्थ स्टेप है थर्ड स्टेप क्या होगा लाइगेशन लाइगेशन टू पहले के अंदर लाइगेट करेंगे ना उसको उसके बाद ही तो हम उसको इंसर्ट करेंगे किसमें में ओके मैम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ और रिकॉम्बिनेशन अलग अलग होता है ना अलग अलग होता है अलग अलग होता है देखो देखेंगे यहां पे ध्यान देंगे ब्लैंक स्लाइड है हाँ है देखिए यहां पे ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ठीक है ये है आपका प्लाज्मे जिसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट ठीक है अब देखो ये जो बैक्टीरिया है अगर इसमें ये आ गया तो यहां पे इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बस अगर ये यहां पर आ गया है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अगर ये यहां नहीं आया है मतलब ये इंट्रोड्यूस तो करा पर ये बाहर ही रह गया आया ही नहीं अंदर तो नॉन ट्रांसफॉर्मेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट समझ गए गॉट इट अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है अगर ये जो डीएनए है ओके okay, अगर ये जो डीएनए है इसमें ये वाला जो आ गया है अगर ये अपना शो करेगा फॉर एग्जाम्पल हमने बैम एच वन में इंसर्ट किया था जी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने बैम एच वन में डाला था अगर ये टेट्रा रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है अगर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहा होगा नहीं शो कर रहा होगा यानी मर जाएगा टेट्रोसाइकिन से तो हम बोलेंगे ये है है तो अगर किसी के अंदर डीएनए आ गया है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो वो ट्रांसफॉर्म्ड तो होगा लेकिन रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा समझ गए गॉट इट हाँ खत्म होने वाली है भाई क्लास खत्म हो गई है क्लास समझ गए एंजाइम्स लिखोगे आप स्टेप वन से लेके स्टेप

जो हमारे डिजायर्ड जीन है जिनकी वजह से हम कर रहे थे अपनी प्रोसेस वो करते हैं क्लियर हाँ चलिए अब आ जाते हैं आगे यह नेक्स्ट क्वेश्चन वाला बस ये है ये दो तीन क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन बस खत्म है फिर ठीक है हाँ प्लाज्मेड क्यों यूज करते हैं क्योंकि उनके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उनके पास सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जिससे हम ध्यान लगा पाए उनके पास अलग अलग साइट होती हैं साइट फॉर एक्शन ऑफ एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है इस वजह से हम प्लाजमेट को यूज करते हैं बिल्कुल सही है अंकित प्रिंसिपल मार वेरी गुड और उनका एक कॉपी नंबर होता है क्या होता है कॉपी नंबर क्लियर चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इली लीली वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे चॉइस में भी जो आपको जो क्वेश्चन मिला है वो आपको पीबीआर थ्री टू टू के ऊपर पूछा गया है अगर करना है क्वेश्चन तो आप बताओ अगर नहीं करना है तो ये भी बोल दो क्योंकि फिर ऐसे मत बोलो कि मैम ओके okay, हो गया मैम ये हो गया मैम वो हो गया मैम ऐसा भी मत करो ऑल राइट right? हाँ यार मुझे भी तो बुरा लगता है ना तुम्हारे लिए ले तो लेके आई हूँ क्वेश्चन कौन सा मेरी बारात निकल रही है क्वेश्चन दूंगी तो अच्छा लड़का मिलेगा शादी के लिए है ना ऐसा तो कुछ है नहीं तो तुम लोग के लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना नहीं है तो बोल दो फिर हाँ ठीक है चलिए नेम द सोर्स फ्रॉम विच इंसुलिन जो पहले हमें मिलता था तो हम हमको पहले दो जगहों से इंसुलिन मिलता था बोवाइन बोवाइन इंसुलिन जो हमें मिलता था काओ से और दूसरा हमें मिलता था पोर्काइन पोर्काइन इंसुलिन जो हमें मिले मिलता था जो हमें मिलता था कहां से पिग से ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन बाय इली लिली कंपनी नेम द टेक्निक यूज्ड बाय देम तो कौन सी टेक्निक यूज करी थी सबसे पहले तो हमने यूज करी थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाली टेक्निक उन्होंने क्या किया था जैसे Uh, ये आपका एक जीन है ओके okay? ये आपका जीन है जीन ये प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होगा प्रोटीन। अब ये जो जीन है ना इंसुलिन का ये प्रोटीन के लिए कोड करता है ये है ए ये है सी और ये है बी ये है प्रो इंसुलिन ये है प्रो इंसुलिन क्लियर हाँ अब आ जाते हैं आगे यस 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 सेपरेट ए एंड बी चेन अब हमारे सेल में क्या होता है हमारा सेल क्या करता है ये जो ए है ना ए वाला स्ट्रैंड यहाँ आ जाता है ए और बी वाला स्ट्रैंड यहाँ आ जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से इन्हें जोड़ देते हैं और ये जो फाइनली हमारा जीन बना है ना डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ने के बाद जो हमारा ये बना है बॉडी के अंदर अपने आप इसको बोलते हैं इंसुलिन क्लियर इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है सी हमारे लिए यूजलेस है तो जब इली लिली कंपनी ने इस जीन को यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया इकोलाई e में इकोलाई e में इंसर्ट किया तो उसने प्रो इंसुलिन बना दिया ये जो प्रो इंसुलिन बनाया उसने उसमें ए भी था सी भी था और बी भी था लेकिन हमारी बॉडी में तो इंसुलिन बन रहा था प्रो इंसुलिन से लेकिन इकोलाई e में तो नहीं बन पा रहा था तो फिर इली कंपनी ने क्या किया इन्होंने जो जीन जीन का पार्ट ए के लिए कोड कर रहा था उसको अलग करा जो जीन का पार्ट बी के लिए कोड कर रहा था उसको अलग करा जीन ऑफ इंटरेस्ट से ठीक है हाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट से अलग अलग कर लिया फिर इन्होंने ये जो ए वाला जीन था इसको इको में डाला और ए वाला जो जीन है मतलब ए वाला प्रोटीन बनाया ओके आ, फिर इन्होंने बी वाले को इंसर्ट किया बी वाला प्रोटीन बनाया इन दोनों को आपस में जोड़ दिया आपस में जोड़ दिया इनको लैबोरेटरी कंडीशंस में तो इन्होंने फिर बाद में इंसुलिन बना दिया इससे क्लियर 1983 एलीलीली कंपनी समझ गए गॉट इट सेकंड पार्ट हो गया नेक्स्ट पार्ट है हाउ इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी डिफरेंट फ्रॉम इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी तो हमारा जो बॉडी का इंसुलिन है वो नेचुरली सिंथेसाइज हो रहा है और कंपनी का जो इंसुलिन है वो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस होता है इकोलाई प्रोड्यूस कर रहा है और कुछ अलग ही हो रहा है उसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन क्लोनिंग वेक्टर सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको एंड तुम लोगों का भी कोई इंटरेस्ट लग नहीं रहा है मुझे पढ़ाई में फिर भी मैं बता देती हूँ ओके okay? हाँ यह है अपना पी बी आर थ्री टू टू यह है अपना पी बी आर ओके हाँ पी बी आर थ्री टू टू रजत गेमिंग वेरी गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून चलिए यह है अपनी एम्पेसलिन रेजिस्टेंट जीन ये है अपना टेट्रासाइक्लिन okay? हाँ, रेजिस्टेंट TETR टी आर और यह है ए एम पी आर ठीक है यहाँ पे है बमसल बी एम एच वन और यहाँ पे एस ए एल वन क्लियर यहां पे अलग अलग साइट्स है मतलब e -1, और यहां पे है क्ला वन यहाँ पे है आपकी हिंड टू या थ्री बताएंगे हाँ जी यहाँ पे है P P V U S T ऐसे कुछ है और यहाँ पे एक और साइट है और यहाँ पे ओरिजिन ऐसा ही है तो अब देखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे हम अगर बैम एच वन से कुछ कट करें बैम एच वन डाल के कट करें यहाँ से तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी अब क्या होता है सेलेक्टेबल मार्कर काम कैसे करते हैं ठीक है थीके? तो पहली बात तो ये है कि आपने ये जो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करा है जो जीन डाला है पहली बात तो ये आया ही नहीं मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जीन ही नहीं आया इसके अंदर शो ही नहीं करा नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कि जीन आ गया पर अपने आप को शो नहीं कर रहा है आ तो गया पर शो ही नहीं कर रहा अपने को और तीसरा केस आता है हमारे पास कि जीन आया भी और शो भी कर रहा है ये जीन आया भी पीवीआर थ्री टू टू पूरा प्लाज्मेड आया भी और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पा रहा है तो अगर ये ट्रांसफॉर्मड है ये भी ट्रांसफॉर्मड है ठीक है लेकिन क्या ये रिकॉम्बिनेंट है और क्या ये रिकॉम्बिनेंट है ये हम कैसे चेक करेंगे हम इन्हें कॉलोनीज में उगाएंगे इसके अंदर प्रेजेंट है एम्पिसिलिन इसके अंदर हम इसको उगाएंगे ये उग जाएगा उग जाएगा ना एम्पी तो साबुत है हमारा में तो कुछ नहीं हुआ है तो वाली उग जाएगी, तो हमें पता अच्छा मतलब तो है अब हम, पता कैसे तो है, लेकिन है या नहीं? हम इसको टी टी टेट्रासक्लिन मतलब टेट्रासाइक्लिन के ऊपर उगाएंगे तो ये टेट्रासाइक्लिन के ऊपर उगाएंगे तो कुछ बैक्टीरियल कॉलोनी तो उग जाएंगी ये वाली तो उग जाएंगी खुशी खुशी ऐसे खुशी खुशी उग जाएंगी ये वाली कहेंगे हम नहीं उग सकते क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस है ही नहीं तो ये जो नहीं उग रहे हैं इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट है इनमें रिकॉम्बिनेंट हो चुका है इसके अंदर हमारा पीबीआर थ्री टू टू आ चुका है कौन सा वाला पीबीआर थ्री टू टू रिकॉम्बिनेंट वाला हाँ आदित्य बिल्कुल सही वेर इज इंसर्टेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला नहीं पूछ रहे ये आपसे दूसरा वाला पूछ रहे हैं ओके बीटा गेलेक्ट्रोसाइड वाला तो आपको क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की वजह से बीटा गलेक्टोसाइड वाला बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा है उसको भी देख लेते हैं एक बार तो ये आपका जीन है अगर इसमें बीटा गेलेक्ट्रोसाइडे होगा तो ये ब्लू कलर देगा अगर बीटा गैलेक्टोसाइड बीटा गलेक्ट्रोसाइडेज खत्म हो जाएगा तो ये कलरलेस रहेगा ठीक है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की वजह से होता है ये कलर शो करते हैं अगर कर ब्लू कलर की कॉलोनी होगी तो इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है और अगर वो कलरलेस कॉलोनी दिखाएगा तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट है. है ना यही बोल रहे थे प्रथमेश हाँ मैम टाइम चेंज कर दो क्या टाइम चाहिए आपको क्या टाइम चाहिए हाँ मैम ये चैप्टर समझ आ गया है लेकिन क्वेश्चन टाइम पे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है सेट आपका ही तो पेपर लिया है मैंने आपका पूरा पेपर देखा आपने डिस्कशन देखा आपने हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2019 का क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल दैट रिसीव रिकॉम्बिनेंट जीन जिस जिस सेल के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट जीन डालते हैं उसको क्या बोलते हैं ईकोलाई e के अंदर डालते हैं ना तो क्या है अपना बेचारा होस्ट है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा वो होगा होस्ट मैम फ्रॉड हाँ मतलब क्या है इस बात का फ्रॉड हो रहा है मतलब चलिए मॉर्निंग में क्लास चाहिए आठ बजे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी अगेन 2019 का क्वेश्चन है राइट द स्पेसिफिक पॉइंट इन पैलेंड्रोम दैट बॉन्ड एंड कट विद ई को आर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ई को आर वन का जो सीक्वेंस है जहाँ पे कट होता है वो बताना है तो जी ए एम एच वन का क्या था जी जी क्या था ए टी सी सी ये है बै एच वन का है ना ये हो जाएगा जी ए एम बिल्कुल सही नेक्स्ट आ जाते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन छोटे छोटे क्वेश्चन है ये ज्यादा बड़े नहीं है क्या बोलना है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए तो हम बोलेंगे जाओ और जेल इलेक्ट्रोफोरसिस कर लो जाकर है ना हाँ बिल्कुल सही आरुषि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स प्लाज्मेट की आपको प्लाज्मेट की खासियत बतानी है थ्री मार्क्स में कि आपको प्लाज्मेट की विशेषताएं बतानी है इसके पास ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है सेलेक्टेबल मार्कर्स है कॉपी नंबर है और आप बहुत सारे इसके पास साइट है कट करने के लिए है ना हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्रो

प्लांट uh, होगा उसमें क्राउन गॉल की डिजीज हो जाएगी मतलब गांठ गांठ गांस दिखाई देगी ओके जेनेटिक इंजीनियर कैसे है हमने इसका डिजीज वाला तो हटा दिया. डिजीज वाला वाला पार्ट पार्ट तो तो हटा हटा दिया दिया तो अब क्या करेगा वो क्या करेगा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके मल्टीप्लाई कर रहा होगा ओके okay? हम क्या करे होंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है ना ये ट्यूमर इंड्यूसिंग है जी नहीं ट्यूमर इंड्यूसिंग जो आपका पैथोजन है नेक्स्ट आ जाते हैं यही वाला क्वेश्चन आ गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के ऊपर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या है ये हाँ क्या है ये 2019 का क्वेश्चन है और आई थिंक मेरे को ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है तो इट इज माई वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये क्वेश्चन ना आपके इस बारे में आ सकता है क्या क्वेश्चन है बीटा के दोपहर को कम बच्चे आते हैं तो मॉर्निंग में कर लो क्लास यार मॉर्निंग में भी तो नहीं आएंगे ना जो जिन बच्चों को नहीं आना उनको आना ही नहीं है पढ़ना हो तो आ ही जाते हैं ना चलिए बताएंगे आप तो हमने क्या बोला था कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा इज अ बेटर मार्कर क्योंकि ये जो है हमें कलर कॉलोनीज की वजह से ही बता देती हैं कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन से कौन से हैं ओके चलिए बीटा के इलेक्ट्रोसाइडेज बेटर मार्कर है एज अ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट आर डिफ्रेंशिएटेड बेसिस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस की वजह से

या नहीं उगेगी अगर उगेगी इसका मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट है अगर नहीं उगेगी तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट है उसको फिर दोबारा उगाएंगे ओके 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 चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट चलते हैं ओके मोड ऑफ एक्शन ऑफ इको आर वन वॉट इज इको आर वन हाउ डज इट फॉर्म एक्सो न्यूक्लियस Uh, how does restriction endonuclease हाउ डज रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस फंक्शन रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो होते हैं है, तो inspect करते हैं है, फिर एक जगह बाइंड कर जाते हैं बाइंड करने के बाद उसको कट कर देते हैं ओके कट करते हैं कहाँ पे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन को कट कर देते हैं ठीक है और दो तरीके के हो सकते हैं एक्जो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा सेशन को एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड एंड क्या करना है आपको अपने प्री बोर्ड के पेपर्स मुझे भेजने हैं सो दैट हम डिस्कस कर पाए आज हमने करे थे क्वेश्चंस सिड है एक स्टूडेंट

या फिर टाइमिंग चेंज करनी होगी तो कल ही बात कर लेंगे उसके ऊपर एंड परसों की क्लास से देख लेंगे कि क्या टाइमिंग रखती है ओके चलिए बाय बाय एवरीवन टेक केयर अच्छे से